हेलो एवरीवन, आई एम आयशा फ्रॉम नेशनल एकेडमी ऑफ फायर एंड सेफ्टी। तो आज मैं आपको बताऊंगी सेफ्टी एंड हजार्ड मैनेजमेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज़। कोई भी केमिकल इंडस्ट्री होती है तो उसमें हम कैसे सेफ्टी मेंटेन कर सकते हैं, कैसे सेफ्टी मैनेजमेंट कर सकते हैं और हैजार्ड्स मतलब खतरे जो हैं उन्हें कैसे हम रोक सकते हैं। किसी भी केमिकल से होने वाला खतरा जो है उसके लिए हम क्या ऐसी प्रिवेंशन लें जिसकी वजह से कोई एक्सीडेंट ना होने पाए। ठीक है, तो बात केमिकल की हुई है तो पहले से ही पता चल रहा है ये एक हैजार्डियस मटेरियल हो सकता है, क्योंकि केमिकल हो सकता है आग लग सकती है उससे, हो सकता है आपकी बॉडी पार्ट जो है उसमें उसको डैमेज कर दे। आप अगर उसे हाथ से यूज़ कर रहे हैं और कोई केमिकल आपके हाथों पे गिर गया तो हो सकता है आपके हाथ में कोई ज़ख्म बना दे वो। तो ऐसी चीज़ें केमिकल से हो सकती हैं, तो केमिकल खुद ही एक बहुत हैजार्डियस मटेरियल है। अब उसको कैसे हमें टैकल करना है, कैसे यूज़ में लेना है, वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगी। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि अगर हम कोई भी केमिकल यूज़ कर रहे हैं तो जो भी वो केमिकल जिस कंटेनर में है उसकी MSDS यानी कि मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट उसमें रहती है, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इस मटेरियल को कैसे हैंडल करना है, कैसे स्टोर करना है। ठीक है, कितना हैजार्ड है इसमें, सारी चीज़ें आपको उससे पता चल जाती हैं। तो इसमें क्या है, आपको बहुत ही केयरफुल रहना है तभी आप इस तरीके के हैजार्ड से बच सकते हैं। क्योंकि केमिकल अगर आप यूज़ में ले रहे हैं तो अब उसे कैसे आप यूज़ करें कि कोई एक्सीडेंट ना होने पाए, है ना। तो यही सारी चीज़ देखनी होंगी कि कोई भी केमिकल यूज़ में ले रहे हैं तो हम उसे कैसे यूज़ करें, क्या क्या PPEs हमें पहननी होंगी। ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो इस तरीके एक्सीडेंट्स होने से आप खुद को बचा सकते हैं। ये कुछ स्टेप हैं जिनको आप फॉलो करके सेफ्टी मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि जो भी केमिकल आप यूज़ कर रहे हैं, उसकी मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट जो है वो कहाँ रखी हुई है, उसमें से आप देखेंगे किस तरीके का मटेरियल है, क्या हजार कितना हैजार्डियस है। ठीक है, किसे कैसे उसे यूज़ करना है और कैसे उसे स्टोर करना है। ठीक है, साथ ही कोई भी केमिकल है उसकी एक एप्रोप्रिएट प्लेस होना चाहिए, उसका एक एप्रोप्रिएट स्टोरेज होना चाहिए जहाँ पे वो पर्टिकुलरली रखा जाए। ऐसा ना हो कि आपने केमिकल आपने यूज़ करना है तो आपने उसमें केमिकल यूज़ कर लिया फिर वापस वहीं रख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो केमिकल जहाँ से आपने लिया है उसे वहीं वापस रख देना चाहिए, उसकी एक पर्टिकुलर प्लेस होना चाहिए। साथ ही जब भी आपको वो केमिकल यूज़ में नहीं लेना है तो उसे खुद से दूर रखें, जहाँ उसका स्टोरेज है वहीं उसे रखें। ठीक है, साथ ही जो भी केमिकल है उसे उसी के कंटेनर में होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप उस केमिकल को खाली करके दूसरे कंटेनर में भर दें। अब दूसरे कंटेनर में अगर भर देंगे तो वहाँ कैसे पता चलेगा इसके अंदर कौन सा केमिकल है, तो ये भी एक खतरा हो सकता है ना। कोई और आया, उसने सोचा इसमें पता नहीं क्या है, उसने यूज़ करना शुरू कर दिया तो हो सकता है कोई एक्सीडेंट्स हो जाए, है ना। तो आपको क्या करना है, जो मटेरियल है जो भी केमिकल है आपको उसको उसी कंटेनर में रहने देना है, जिससे कि जो भी उसे यूज़ करे तो उसे पता चल जाए कि ये वाला केमिकल है, इसको इस तरीके से यूज़ करना है, इस तरीके से हैंडल करना है और इस तरीके से स्टोर करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। साथ ही जो भी केमिकल यूज़ कर रहे हैं ध्यान रखें उसे पर्टिकुलर PPE पहन कर ही, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहन कर ही आप उसे यूज़ करें। हो सकता है कभी कभी वो आपकी आँखों को डैमेज कर दें, कुछ इतनी फ्यूम्स उड़ती हैं किसी किसी केमिकल से जिसके कारण आँखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप किसी केमिकल के कॉन्टैक्ट में अगर आ रहे हैं तो गॉगल्स पहने, हाथ उनसे लगा रहे हैं हाथों से उसे यूज़ कर रहे हैं तो ग्लव्स पहने, ऐसे क्लॉथ्स पहने कि वो कहीं भी बॉडी पार्ट पर अगर आपके गिरे तो आपके बॉडी पार्ट को डैमेज ना हो, है ना। तो ऐसे प्रॉपर PPEs अगर आप पहनते हैं तो इस तरीके के भी एक्सीडेंट से आप बच सकते हैं। साथ ही ऐसा कोई हजार्ड देखें आप तो तुरंत रिपोर्ट करें, ऐसा ना हो कि वहाँ पे इस तरीके से केमिकल फैल रहा है और आप देख के भी अनदेखा कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में, तो तुरंत बता दें कि इस तरीके की प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, कभी भी ऐसा हजार्ड देखें तुरंत रिपोर्ट करें। साथ ही जब भी आप कोई भी केमिकल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी हॉट ग्लास वेयर आप यूज़ कर रहे हैं तो क्या करें, उसको हमेशा जो कंटेनर है जो बीकर है उसको आप हमेशा टोंग से पकड़ें। ठीक है, टोंग से अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके हैंड्स को प्रॉब्लम नहीं होगा, साथ ही ग्लव्स पहने। ठीक है, कोई भी ग्लास वेयर है उसको डायरेक्टली टेबल पे ना रखें, उसे इंसुलेशन पैड पे ही रखें। ठीक है, इंसुलेटिंग जो पैड होते हैं उन्हीं के ऊपर रखें। ठीक है, साथ ही
कोई भी हॉट ग्लासवेयर जो है वो पानी में ना डालें, उसे पहले खुद के टेम्परेचर से ठंडा होने दें, उसी के बाद आप उसे वाटर में यूज़ करें, ठीक है, वाटर उस पर डालें। साथ ही जैसे कि कोई कहीं कोई हज़ार्ड हो गया है, केमिकल वगैरह फैल गया है, तो क्या करें, उस एरिया को बैरिकेड कर दें, वहाँ पे नो एंट्री का कर्जन लगा दें, टैग लगा दें, उस एरिया को रिस्ट्रक्ट कर दें, बंद कर दें, वहाँ कोई आने जाने ना पाए, ठीक है। और तुरंत रिस्पॉन्स करें, इमरजेंसी टीम को तुरंत रिस्पॉन्ड करें, बताएं कि इस तरीके की प्रॉब्लम हो गई है, और टीम को सुपरवाइज करें कि आप इस तरीके से काम कीजिए। साथ ही अगर कोई उस केमिकल के टच में आ गया है, कॉन्टैक्ट में आ गया है, तो उसको फर्स्ट एड दें, ठीक है। साथ ही फिर जब उसके यहाँ साफ सफाई करें तो ध्यान रखें कि प्रॉपर वेंटिलेशन वहाँ हो, और जब भी आप जा रहे हैं तो पूरी तरीके से PPEs पहन के जाएं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करके ही आप वो वर्क करें, ठीक है। ऐसा ना हो आप उस काम को ठीक करने के लिए अपनी लाइफ जो है रिस्क में डाल दें, तो इस तरीके की चीज़ें आपको मेंटेन करनी होंगी। ऐसे करके आप थोड़े थोड़े स्टेप्स अगर फॉलो करते हैं तो आप अपने केमिकल इंडस्ट्री में सेफ्टी मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने क्या किया, जितने भी हैजार्ड हो सकते हैं उनको आपने ऑब्जर्व किया, ठीक है, आपने अपने काम करने के तरीके को SOP के बिल्कुल SOP जो बनी है उसको फॉलो करते हुए काम किया, ठीक है। बाकी जो भी आपकी इंडस्ट्री है वहाँ क्या क्या और हैजार्ड हो सकते हैं उनको भी देखा, ठीक है। प्रॉपर इक्विपमेंट्स आपके पास हैं जिन्हें आप प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, प्रिवेंशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, इमरजेंसी टीम जो है वो आपके पास है, और केमिकल जब केमिकल हैजार्ड कोई हुआ है तो उसको कैसे टैकल करना है वो आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपनी केमिकल इंडस्ट्री को सेफ रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, थोड़ी सी केयरफुलनेस उसमें ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जो भी केमिकल यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता है, और आपने उस केमिकल के बारे में तो आपको पता है, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं आपने केयरफुली फॉलो की, उसका स्टोरेज कैसे करना है, हैंडलिंग कैसे करनी है, केमिकल यूज़ में ले रहे हैं तो PPEs पहने होने चाहिए, इस तरीके से आप एक्सीडेंट होने से रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको बताया केमिकल इंडस्ट्री के बारे में, कि इस तरीके से आप सेफ्टी और हैजार्ड वहाँ पर मैनेजमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू।